हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हलचल कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतूस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में यार हम लोग बात करने वाले हैं VIP सीरीज़ का डे नंबर 4, जिसमें हम लोग आप लोगों को जिसमें बेसिकली मैं आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स और हिरॉन्स फार्मूला के वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, VIP का मतलब है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, तो VIP मतलब इन तीन चैप्टर्स के वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मैं आज के इस सेशन में करवाऊंगा, जो आपके NCERT में नहीं है बट आपके RD शर्मा RS अग्रवाल में ऐसे क्वेश्चंस पाए जाते हैं। तीन टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, ईजी, मीडियम और हार्ड, है ना। तीनों टाइप के क्वेश्चंस में करवाऊंगा आज के इस सेशन में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड में हार्ड वाले कुछ क्वेश्चंस है, बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस है, ठीक है। तो बढ़ते फटाफट से आगे बिना किसी देरी के साथ। लेकिन यार अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, मेक श्योर सेशन को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सही टाइम पे सही जानकारी तुम लोगों को मिल सके, है ना। आ जाओ। तो यार अगर मैं बात करूँ सबसे पहले अपने वीकली शेड्यूल की, तो ये यार मेरे पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल है ना, आप लोग देख सकते हो। और ये क्या कहते हैं, ये चीज़ें हैं। बस उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, टुडेज सेशन मतलब ये है, इजी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, है ना, और फिर मीडियम करेंगे, फिर डिफिकल्ट करेंगे। तो फटाफट से बढ़ते हैं आगे। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशो 3:5:9:13। कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ना, तो उसके एंगल्स का रेशो आपको दिया गया है 3:5:9:13। तो आपको वो एंगल्स निकालने, कभी भी अगर आपको रेशोज दिए जाते हैं ना, तो आप उनको किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेते हो। तो आपके पास ये जो चार एंगल्स होंगे बेटा, वो कुछ इस प्रकार से होंगे। जो चार एंगल्स आप लोगों के पास बनेंगे, वो बनेंगे आपके पास 3x 5x 9x और 13x। ये आप लोगों के पास क्या है, फोर एंगल्स हैं। अब अगर मैं इन चारों एंगल्स को ऐड कर दूं, 3x+5x+9x+13x, अगर मैं इन चारों एंगल्स को ऐड कर दूं, तो इन सभी एंगल्स का, क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो अगर मैं इन चारों एंगल्स को ऐड करता हूं, 5 और 3 8, 8 और 9 आप लोगों के पास हो जाता है कितना, 17 और 13 आपके पास हो जाएंगे 30x। तो 30x की वैल्यू आप लोगों के पास है कितनी बेटा, 360 है। 0 से 0 काटोगे तो ये 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी यार, 12 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 12। अब आप अपने चारों एंगल्स निकाल सकते हो यार, है ना। फाइंड द ऑल एंगल्स, 3 × 12 36, है ना। दूसरा एंगल आपके पास हो जाएगा 5 × 12 60, फिर तीसरा एंगल आप लोगों के पास हो जाएगा 9 × 12, है ना, 108, है ना। तीसरा एंगल हो जाएगा आपके पास 13 × 12, सो 144 + 12 146 156 हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से आप लोगों के पास ये चारों एंगल्स आ जाएंगे, ठीक। चल अगला सवाल आप लोगों के पास है। इन द एडजॉइनिंग फिगर BM इज परपेंडिकुलर टू AC एंड DN इज परपेंडिकुलर टू AC एंड इफ BM और DN इक्वल है। तो आप लोगों को ये प्रूफ करना है कि AC बाइसेक्ट BD। देखो AC बाइसेक्ट BD का मतलब क्या है, क्या चीज़ प्रूफ करना चाहते हो आप लोग। आप लोग प्रूफ करना चाहते हो कि ये AC BD को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, दो बराबर हिस्सों में बांटना है, यानी कि BO और DO को आपको इक्वल प्रूफ करना है। BO इज इक्वल्स टू DO, ये आपको इक्वल प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। अब आपको बोला गया है कि यार ये जो DN है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा। ये एंगल 1 मान लिया मैंने, ये भी परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 2 मान लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि ये दोनों बराबर भी हैं, BM और DN क्या है, आपस में इक्वल भी हैं। तो एक काम करते हैं, यहीं से श्री गणेश करते हैं और इन दोनों ट्राइंगल्स को देखते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं देखूँ, अगर मैं ट्राइंगल इन ट्राइंगल OND एंड ट्राइंगल OMB इन दोनों ट्राइंगल्स में देखा जाए, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं क्योंकि 90 डिग्री के हैं, ठीक है। उसके बाद DN और BM आपके पास इक्वल हैं क्योंकि उसने बोला हुआ है, गिवन है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 3 और 4 इनको मैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स लिख सकता हूँ। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, वाई, बिकॉज ऑफ वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्राइंगल OND इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल OMB बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है प्यारे, तो इसका मतलब क्या है, BO और DO CPCT से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा, इजी क्वेश्चन है, इजी, ठीक। आ जाओ,
क्या कहता है, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स है, ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स है, ये एंगल 80 डिग्री का है, आपको एंगल ये वाला निकालना है सी ओ डी। तो एंगल सी ओ डी जो होगा वो भी आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 80 डिग्री का। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कॉर्ड्स इक्वल होती है तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो दोनों के दोनों एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बहुत सिंपल एक मार्क्स का सवाल। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, कह रहा है कि आपके पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो बना लेते हैं ए बी सी डी, है ना। एंगल बी माइनस एंगल डी, एंगल बी माइनस एंगल डी आप लोगों के पास दिया गया है 60 डिग्री। आप लोगों को पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके ओपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल बी प्लस एंगल डी, ओपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब अगर मैं यहां से एंगल बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 60 प्लस एंगल डी, है ना, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल बी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर वो वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वो हो जाएगा आपके पास 60 प्लस एंगल डी, प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 60 अगर मैं उधर कर दूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल डी इज इक्वल्स टू 120, तो 2 से अगर मैं इसको कट करूंगा तो 60 हो जाएगा और एंगल डी की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों के पास कितनी, 60 डिग्री। तो एंगल डी आप लोगों के पास, शो दैट द स्मॉलर एंगल ऑफ 2 इज 60 डिग्री, एंगल डी आप लोगों के पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया है। इन दोनों में से अब अगर एंगल डी 60 है, एंगल बी को निकालोगे तो वो 120 है। अब इन दोनों में से जो छोटा वाला एंगल है कौन सा है, डी, वो कितना है, 60। वही तो आपको प्रूफ करना है कि छोटे वाले एंगल को 60 डिग्री प्रूफ कर दो। बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो ना यार, तो आप लोग वीडियो को पॉज करो, जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है वीडियो को पॉज करो और देन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। तो उस तरीके से प्रैक्टिस होती है। आ जाओ, द बेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 48 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 50 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस कितना है, 48 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज उसकी 50 है, तो उसका एरिया निकालना आपको, एरिया निकालना आपको। एरिया कैसे निकालोगे यार, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया बहुत सिंपल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले यार ये परपेंडिकुलर निकाल लो। परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से 50 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आई गेस ये हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है, मतलब एक काम करते निकाल ही लेते, तो 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर इधर आ जाएगा। मुझे ना तो 50 का स्क्वायर आता है ना 48 का स्क्वायर आता है, तो मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते हैं। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपके पास पी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 into 98 क्या हो जाएगा आपके पास, पी स्क्वायर। अगर आप पी की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे ना तो पी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 into 98। अब यार देखो 2 into 98 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 49, तो 2 का तो पेयर बन गया बाहर आ गया और इसका अंडर रूट होता है 7, तो 14 आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 48 इंटू परपेंडिकुलर कितना है 14, तो काट दो इसको 24, 24 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 into 24, 14 2 जा 280, 28 है ना, और 14 4 जा, सही कर रहे भाई, सही कर रहे ना, हाँ 56, 6 3 336 आपका एरिया आ जाएगा, यही है 336। ठीक है जी। चलो अब यार आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, है ना, और बहुत दिनों से हम द्रोणा के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिन बच्चों को पता है बहुत बढ़िया चीज़ है, जिन बच्चों को नहीं पता द्रोणा क्या है, तो द्रोणा बेसिकली एक रिविजन बैच है। द्रोणा क्या है, हम लोग एक रिविजन बैच स्टार्ट कर रहे हैं विच इज कॉल्ड एज द्रोणा, है ना, जिसका नाम है आप लोगों के पास क्या, द्रोणा। ठीक, ये जो रिवीजन बैच है ना, ये जो रिवीजन बैच है ये आप लोगों का 3rd of Jan से स्टार्ट होने वाला है, 3rd Jan से आप लोगों का ये बैच स्टार्ट होने वाला है और ये बैच लगभग आप लोगों का 15 फेब तक चलेगा, 15 फेब तक चलेगा। तो लगभग अगर मैं देखूँ 45 डेज के आसपास हो रहा है, यानी कि मोटा मोटा अगर मैं देखूँ तो 2 महीने में आप लोगों का ये बैच चलेगा, जिसमें हम आप लोगों को 60 to 70 सेशंस देंगे। एक दिन में आप लोगों के 2 क्लासेस होंगी, एक दिन में, 1 डे में आपके कितने सेशंस होंगे, 2 सेशंस होंगे, 2 क्लास होगी एक दिन में। टाइमिंग्स जो होंगी इस बैच की वो होंगी बेटा 6 से 7 और 7 से 8 बजे। अब इस बैच में होगा क्या, इस बैच में होगा क्या और कैसे ये मतलब अलग है, इस बैच की खासियत क्या है, इस बैच में आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे,
कैसे वो भी बताता हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर होंगे, पूरा का पूरा सिलेबस, फुल सिलेबस का रिवीजन आप लोगों को कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, थ्योरी भी बताई जाएगी, क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरी सब कुछ कराया जाएगा, है ना। हर चैप्टर का रियल नंबर सिस्टम, पॉलीनोमियल्स, हर चैप्टर का आपके पास थ्योरी के साथ साथ पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारा कुछ ये चीज़ें करवाई जाएंगी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स तो क्लास में ही सॉल्व हो जाएंगे। आप एक पर्सनल इंटरेक्शन आप लोगों का होगा आपके टीचर्स से। कौन से टीचर्स इसमें आपको पढ़ाएंगे? जो भी आपके YouTube के टीचर्स हैं, यानी कि अभिषेक सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, ओशन मैम इंग्लिश पढ़ाएंगे, सुरभि मैम SST पढ़ाएंगी, और निकिता मैम केमिस्ट्री और खुशबू मैम बायोलॉजी पढ़ाएंगी। ये जो बैच है ना बेटा, ये वेदांतु के पेड प्लेटफॉर्म पे है, वेदांतु के पेड प्लेटफॉर्म पे है ना। और इस बैच की, यस बच्चा, कुछ फीस है, इस बैच की कुछ फीस है, और वो फीस जो है आप लोगों की 2 महीने की जो फीस है बेटा आप लोगों की, वो है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये का ये पूरा का पूरा कोर्स है आप लोगों के पास। 3,000 रुपये की आपकी 2 महीने की फीस है। अगर मैं एक मंथ की फीस की बात करूं तो एक महीने में लगभग आप लोगों के पास 1,500 रुपये कुछ, मतलब चार्जेस पड़ेंगे, है ना, 1,500 रुपये कुछ चार्जेस आप लोगों का एक महीने का पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इस बैच में क्या खासियत है, आपके जो डाउट्स होंगे ना बेटा वो हम पर्सनली कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? देखो, वेदांतु का जो प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पे मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ, आपको अनकैम कर सकता हूँ, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। क्लास तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आएगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप वहीं पे मेरे को बोल सकते हो कि भैया ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, आप बता दो। अभी जैसे यूट्यूब में आप चैट कर रहे हो, किसी की दिखती है, किसी की नहीं दिखती है, किसी का मैं बता देता हूँ, किसी का नहीं बता पाता, बट वहाँ पे 1-to-1 कनेक्शन होगा, पर्सनल अटेंशन मिलेगी आप लोगों को, और जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर मैं इसकी फीस की बात करूं, यार एक महीने की फीस इसकी 1,500 रुपये है, और जिसमें आप लोगों के 4 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, है ना, और अगर मैं एक सब्जेक्ट का कॉस्ट निकालूंगा तो वो लगभग आप लोगों के पास 375 रुपीज पड़ेगा, एक सब्जेक्ट का कॉस्ट। और अगर आप लोगों को पता हो, आप अगर आस पड़ोस में कहीं ट्यूशंस वगैरह जाते हो, तो आप लोग एक सब्जेक्ट के 1,000 रुपये देते हो, कहीं कहीं पे 500 रुपये, कहीं कहीं पे 1,000 रुपये, बट 500 से कम तो कहीं पे भी नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट के 375 रुपये, वो भी क्वालिटी एजुकेशन, यूट्यूब के बेस्ट टीचर आप लोगों को पढ़ाएंगे, है ना। तो यार देख लो आपका फ़ायदा किस चीज़ में। तो एनरोल आप कैसे कर सकते हो? डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक होगा, द्रोणा बैच एनरोलमेंट क्लास 9th, आप उस लिंक पर क्लिक करो। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना वो मतलब जैसे भी डिटेल्स वगैरह फिल करके वो चीज़ें कर सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा स्टेप है। अगर मैं इसके एक सेशन की कॉस्ट निकालूंगा ना बेटा, एक सेशन की जो कॉस्ट है वो लगभग आपके पास 10 या 20 रुपए के आसपास कुछ पड़ेगी, इसके आसपास आप लोगों की एक सेशन की कॉस्ट पड़ेगी, जो कि बहुत ही मिनिमल अमाउंट है। एक क्लास आप लोगों को 10 या 20 रुपए में अगर पड़ रही है तो, जो कि बहुत मिनिमम अमाउंट है, तो आप इस तरीके से मतलब देख सकते हो इस चीज़ को, है ना। तो आई डोंट थिंक सो कुछ नुकसान है इस बैच में, तो आप लोग एनरोल कर सकते हो, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर कि आप लोग देख लेना उस चीज़ को, ठीक है। अब उसके बाद यार आपने द्रोणा में पढ़ाई कर ली, अब उसके बाद आप लोगों को चाहिए क्या? आपको कुछ मॉक टेस्ट पेपर भी चाहिए, है ना। तो वेदांतु आप लोगों को दे रहा है 3 मॉक टेस्ट पेपर पर सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों को मिल रहे हैं। मैथ्स के 6 मिलेंगे, 3 बेसिक मैथ्स के, 3 स्टैंडर्ड मैथ्स के, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके 3 पेपर आप लोगों को मिलेंगे, जो कि CBSE के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। तो जो भी CBSE का पैटर्न है, MCQs, assertion, reason, जिस भी तरीके का पैटर्न है, आपको उस तरीके के वो मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आप द्रोणा में एनरोल करवाओ या ना करवाओ, आपको वो मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है ना। आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसकी कोई फीस नहीं है, आपको बस लिंक पर क्लिक करना है, साइन अप करना है, कोई पैसा नहीं है साइनअप का। साइनअप करने के बाद आप उन मॉक टेस्ट पेपर को एक्सेस कर सकते हो आसानी से, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी, देख लेना आप एक बारी, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हैं किस तरीके से आप वो मॉक टेस्ट पेपर को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलो अब बढ़ते हैं आगे और अपने मीडियम लेवल के क्वेश्चंस की तरफ।
अब मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आपके पास किस तरीके से हैं और कैसे आप उनको सॉल्व करोगे। तो पहला सवाल है यार आप लोगों के पास, ये कह रहे कि एक सर्कल है इस तरीके से, आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को मैंने x मान लिया। अच्छा एक काम करते हैं, ये आपको 25 डिग्री दे रखा है, ये 110 दे रखा है, तो क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ, इधर वाला? बिल्कुल निकाल सकता हूँ ना, 180 में से 110 माइनस कर दूंगा, 70 आ जाएगा। तो एक काम करो, इस वाले ट्राइंगल में देखो, बस इस वाले ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है इसको y मान लेते हैं। तो y प्लस 70 प्लस 25, तीनों एंगल्स का सम किसी ट्राइंगल के अंदर कितना होता है, 180 होता है। तो y प्लस 95 180 हो जाएगा। 95 को अगर मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो 80 माइनस 95 कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 85, है ना? अरे पिया, अबे हाँ 85 ही तो होगा, 85 हो जाएगा, है ना? अब आप लोग अपने इस सर्कल को देखो, बस अपने इस सर्कल को देखो, ये दो पॉइंट्स है बेटा, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट्स को देखो, इन दोनों पॉइंट्स ने यहाँ पे एक एंगल बनाया जिसे हमने नाम दिया वाई, जो कि हमारे पास आया इतना। अब इन दोनों पॉइंट्स ने उसी आर्क पे, सेम आर्क पे, ये आर्क है ना, ये आर्क, उसी आर्क पे इन दोनों पॉइंट्स ने एक और एंगल बनाया जिसे हमने नाम दिया था एक्स। तो क्या ये एंगल एक्स भी बराबर नहीं होगा, एंगल्स ऑन द सेम आर्क? तो सेम आर्क पे अगर आपके पास दो एंगल्स होते हैं तो वो इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उस लिहाज से ये एंगल भी 85 डिग्री का आ जाएगा। ठीक, अब आपके पास ये एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा सवाल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है ना? आपको एक सर्कल का रेडियस दिया गया है, ए बी की लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर, और आपको पता है सेंटर से अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। सी डी की लेंथ है 8, तो सेंटर से परपेंडिकुलर दो बराबर हिस्सों में, ठीक है। रेडियस जो है सर्कल का कितना है, 5 है, तो रेडियस 5 है तो ये डिस्टेंस 5 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस भी 5 होगा क्योंकि ये भी रेडियस है। तो सबसे पहले मैंने देखा इन ट्राइंगल ए ओ पी, इन ट्राइंगल ए ओ पी, तो ए ओ पी को अगर मैं बाहर निकालूं थोड़ा सा, ये ओ है, ये ए है, ये पी है, है ना? तो ये तीन है बेटा, ये क्या है आपके पास पता नहीं, और ये क्या है आपके पास 4 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये निकल जाएगा कितना, 4 आ जाएगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अब अगर मैं दूसरे वाले ट्राइंगल में देखता हूं, इन ट्राइंगल सी ओ क्यू, ठीक है, छोटू सा ट्राइंगल है ये 5 है बेटा, ये 4 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कितना आ जाएगा, 3। तो यहां से ना मुझे एक चीज समझ में आई, यहां से मुझे एक चीज समझ में आई, और वो चीज क्या है कि यार ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कितना है, 4 है, ये 3 है, और ये पूरा का पूरा कितना है, 4 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा यार, 1 होगा ना, और यही तो निकालना है, PQ, PQ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बस वही निकालना, सिंपल, ठीक है। अब ये बहुत बढ़िया सा सवाल है, कह रहे कि ए बी सी बी अ ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, कह रहे कि आप लोगों के पास ए बी सी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है। तो ए बी सी राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है, ठीक है। अच्छा डी एंड बी राइट एंगल डेट बी एंड डी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और डी क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का, डी इज व्हाट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी अगर इसका मिड पॉइंट है तो ये इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूँ, ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है, अब आपको ये प्रूफ करना है कि डी ए इज इक्वल्स टू, डी ए इज इक्वल्स टू डी बी इज इक्वल्स टू डी सी, डी ए डी बी और डी सी तीनों आपस में इक्वल है। कैसे प्रूफ करोगे, कह रहे कि डी ए डी बी और डी सी ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल हैं, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है, कहानी इतनी सिंपल है, सही बनाया ना, ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल डेट बी एंड डी वी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास इस तरीके से कि डी ए इज इक्वल्स टू डी बी इज इक्वल्स टू डी सी, है ना, हाँ ये आपको करना है ना। तो देखो यार दो तरीके हैं, या तो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं, है ना, बट कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके कुछ बात नहीं बनेगी जहां तक मुझे लग रहा है,
ए प्लस सी 90 डिग्री हो जाएगा, और चल यहाँ पे ना आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। और वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि आपने ना यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी है इस तरीके से। देखो कभी भी अगर आप क्वेश्चन में फंस जाओ ना, तो आपको कंस्ट्रक्शन हमेशा हेल्प करेगी, है ना। तो इसको मैंने नाम दे दिया डीएम, जो कि पैरेलल है आपके पास बीसी के। तो अब आप लोग क्या बोलोगे, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, अगर मैं एबीसी ट्राइंगल में देखूं, डी क्या है, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ऑफ एसी। डी क्या है, एसी का मिड पॉइंट है। और ये जो डीएम है, ये जो डीएम है, दैट इज व्हाट, दैट इज पैरेलल टू बीसी, वो क्या है, बीसी के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है कि यार ये जो डीएम होगा, डीएम जो एम होगा, सॉरी जो एम होगा, एम इज ऑल्सो, एम इज दी मिड पॉइंट, एम इज दी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट होगा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट होगा, यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब आपको पता है यार डीएम और बीसी पैरेलल है, डीएम और बीसी क्या है, पैरेलल है। ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री का हो जाएगा ना, क्यों, को इंटीरियर एंगल है। ये एंगल अगर 90 है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो ये एंगल भी कितना हो गया आपके पास 90, और इधर वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने अपने इस वाले ट्राइंगल में देखा, कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल बी डी एम, बी डी एम, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर मैं देखूंगा, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर मैं देखूंगा, तो ए एम और बी एम इक्वल हो जाएंगे। तो ए एम बराबर हो जाएगा किसके बेटा, बी एम के। ठीक है, ये एंगल वन है, ये एंगल टू है, तो ये एंगल वन बराबर हो जाएगा किसके, एंगल टू के, 90 डिग्री। ए एम और बी एम तो अभी इक्वल प्रूफ किया है ना, और डी एम क्या है, दोनों में कॉमन है, तो डी एम इज इक्वल्स टू व्हाट, डी एम इज इक्वल्स टू डी एम। ठीक है ना, क्योंकि ये कॉमन है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल बी डी एम हो जाएगा। दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ऊपर वाले की कृपा से अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो डी ए और डी बी सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो ये तीनों साइड्स, अब अगर डी ए डी बी के इक्वल है, डी ए डी बी के इक्वल है, डी ए डी सी के इक्वल भी है, तो तीनों की तीनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर आ जाओ। अब आप लोगों के पास क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन है, किसकी क्लास है, मेरा 2 बजे तक था शायद, थोड़ा सा रह गया 10-15 मिनट का, किसका है, हाँ 10-15 मिनट बस। ठीक है, अ राइट टर्न साइन बोर्ड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 30 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड टू द नियरेस्ट स्क्वायर सेंटीमीटर बाई यूजिंग हीरॉन्स फॉर्मूला। कह रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई ट्राइंगल है, आप लोगों के पास कोई ट्राइंगल है ना, जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसके तीनों साइड्स 30 30 30 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। आपको हीरॉन्स फार्मूला का यूज़ करके इसका एरिया निकालना है। तो यार कैसे आप इसका एरिया निकालोगे, सबसे पहले आपको पता है यार ए पता है, बी पता है, सी पता है, तो आप सेमी पेरीमीटर निकाल लोगे। सेमी पेरीमीटर क्या कहता है, तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाई टू, है ना। तो 30 + 30 60 हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई टू कितना हो जाएगा, 45। फिर आप लोग निकाल लोगे यार एस माइनस ए, यानी कि 45 - 30, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 15 आ जाएगा। एस माइनस बी निकाल लोगे यार, वो भी कितना आ जाएगा, 45 - 30, तो वो भी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। एस माइनस सी निकाल लोगे तो वो भी कितना हो जाएगा, 45 - 30 इज इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एरिया की, एरिया की अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो ये तीनों का अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 45 × 15 × 15 × 15 तो मैंने कॉमन ले लिया, वो आ गया बाहर। 45 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 15 × 3 में, और × 15 एक एज इट इज़, एक और 15 बाहर आ गया,
तो 15 इंटू 15 बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर बचा 3, तो 15 का क्या हो जाएगा बेटा 225 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप लोगों के पास एरिया आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो अब आप लोगों के पास 2-3 सवाल और बच गए हैं, थोड़े से हार्ड लेवल के, है ना, तो फटाफट से उनको भी निपटा देते हैं। आ जाओ, प्रूव दैट द फिगर फॉर्म्ड बाई जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी चार साइड्स होती है, ए बी सी और डी। अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूं पी क्यू आर एस, अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो वो कहता है कि ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बना रहा है। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। आपको प्रूफ क्या करना है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है आपको। कैसे करोगे, देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, आपने बस यहां से ना एक कंस्ट्रक्शन कर देनी है, यहां से एक कंस्ट्रक्शन कर देनी है ऐसी। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम प्रूफ होता कैसे है। पैरेललोग्राम प्रूफ होता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम कब होता है, जब उसकी दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, है ना, दोनों जो ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल अगर आपने प्रूफ कर दी पैरेललोग्राम हो जाएगा। ऑपोजिट एंगल इक्वल प्रूफ कर दो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर कर दो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। यानी कि पैरेललोग्राम की कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप प्रूफ कर दोगे ना तो वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दो वो हो जाएगा। या फिर एक बहुत बेहतरीन क्राइटेरिया होता है जो ज्यादातर क्वेश्चंस में यूज होता है, दैट इज व्हाट, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, कोई भी एक ऑपोजिट साइड का इज इक्वल एंड पैरेलल, कोई भी एक ऑपोजिट साइड का पेयर इक्वल और पैरेलल अगर आपने प्रूफ कर दिया तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो भैया आपको क्या करना है, आप अपने बस इस वाले ट्राइंगल में देख लो, इन ट्राइंगल एडीसी, तो आपने देखा इन ट्राइंगल ए डी सी। अगर मैं एडीसी में देखूं तो यार देखो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, दो मिड पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करता हूं तो वो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है इसके। तो आप लोग लिख लोगे एस आर इज पैरेलल टू ए सी, और एस आर जो होगा पैरेलल के साथ साथ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी भी होगा, मिड पॉइंट थ्योरम है ना, लिख लेना मिड पॉइंट थ्योरम। अब अगर मैं ऐसे ही इन ट्राइंगल ए बी सी में देखूं, इधर वाले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो बेटा देखो P और Q क्या है, मिड पॉइंट्स है, और मिड पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हो तो PQ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज व्हाट, PQ इज हाफ ऑफ AC। अब एक चीज को समझो, देखो आ जाओ, SR AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है, तो क्या SR और PQ पैरेलल नहीं हो जाएंगे। और अगर SR और PQ पैरेलल है, SR हाफ ऑफ AC है, PQ भी हाफ ऑफ AC है, तो क्या SR और PQ आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे। आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएंगे। तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों की दोनों साइड पैरेलल भी है, इक्वल भी है, हेंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम। कोई भी एक पेयर अगर आपने पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दिया ना पैरेललोग्राम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। बस अब लिखना कैसे है, एग्जाम में लिखना ऐसे है भैया, है ना, ऐसे लिखना है इसको, छाप लो इसको, ठीक है जी। आ जाओ अगला सवाल, द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द डायमीटर ऑफ अ सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। कह रहे कि यार आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल का अंदर, उस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, उस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, जिस क्वाड्रिलेटरल के जो ये है क्या डायगोनल्स ए बी सी डी, वो क्या है बेटा, डायगोनल ए बी और ए सी और बी डी, ये क्या है आपके पास, डायमीटर है, डायमीटर। तो अब आपको क्या प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कैसे होता है, क्या होता है रेक्टेंगल, एक चीज को समझो कैसे प्रूफ करते हो। रेक्टेंगल क्या होता है, ओपोजिट साइड इक्वल, ओपोजिट साइड को इक्वल प्रूफ करो, एंड वन एंगल को कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर दो, तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। अब ध्यान से समझो इस फिगर को, देखो आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, ये एसी है, एसी, एसी क्या है, डायमीटर, डायमीटर मतलब सेंटर से पास होता हुआ जाएगा, और ये यहाँ पे क्या है बेटा, बी है, ये यहाँ पे क्या है, बी है।
तो बेटा अगर ये सेंटर पे आपको पता है सेमी सर्कल इस तरीके से पड़ा था ना हमने 180 डिग्री का, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल बी है, ये जो एंगल डी है, ये वाला एंगल ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। और उसी तरीके से अगर मैं इसको डायमीटर मानूं तो ये वाला एंगल सी, ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी में देखना है, इन दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी, दोनों ट्राइंगल्स में देखो। इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप देखोगे तो एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी 90 डिग्री का है। और उससे पहले ये लिख लेना एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट दी सेंटर, यहाँ पे वो थ्योरम लिख लेना, ठीक है। डी सी जो है दोनों में कॉमन है, डी सी इज इक्वल्स टू डी सी कॉमन है, अच्छा। उसके बाद बेटा, उसके बाद आपको पता है ए सी और बी डी क्या है, डायगनल्स है, तो ए सी बराबर हो जाएगा किसके, बी डी के, डायमीटर है क्योंकि ये डायमीटर है, और डायमीटर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल बी डी सी बाई आर एच एस क्राइटेरिया, आर एच एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बिटुआ, तो क्या है, सी पी सी टी से आप ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल प्रूफ कर दोगे। तो आप बोलोगे ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, सी पी सी टी, सी पी सी टी। फिर सिमिलरली करके आप अगर इधर ऊपर वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में देखोगे, है ना, सिमिलरली करके अगर आप इन ट्राइंगल्स में भी देखोगे तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कर लोगे ना बिटुआ, ए बिटुआ, होगा ना, जैसे ये आया है तो हाँ, सिमिलरली से तो नहीं होगा ये, बट कॉन्ग्रेंट करके कर सकते हैं हम इनको, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स, देखो क्या कर सकते हो आप, है ना यार। एक और बहुत बेहतरीन सा तरीका मेरे दिमाग में आया, मतलब अभी सोचते सोचते एक और तरीका आया, ये वाली साइड तो चलो आपने इक्वल प्रूफ कर दी, एक और तरीका आया मेरे दिमाग में कि यार ये दोनों के दोनों तो बट हाँ ये ज़रूरी नहीं है ना सेंटर से पास होता हुआ जाए, तो इसमें देख लेते एक बारी इन्होंने सिमिलरली करके किया है क्या। हाँ, सिमिलरली करके किया है, तो आप लोगों को फिर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, है ना, आप बस ये लिख लो सिमिलरली, इसी तरीके से सिमिलरली आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ए बी और डी सी भी आप इक्वल कर लोगे, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, है ना। जैसे ये वाला किया ना, जैसे इन दोनों साइड को इक्वल प्रूफ किया, वैसे ही अब आप इन दोनों साइड्स को भी इक्वल प्रूफ कर लो, ठीक है जी। चलो तो कुछ नहीं करना है, इस वाले ट्राइंगल में देखो और इस वाले ट्राइंगल में देखो बस, ठीक है ना, ये कॉमन हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, और क्या नाम है, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो हो जाएगा ये, है ना, ठीक है। चलो आखिरी सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे हिरॉन्स फार्मूला से कह रहे हैं कि एक ट्राइंगुलर पार्क है एबीसी एक ट्राइंगुलर पार्क है, ठीक है, एबीसी जिसकी एक साइड है 120, एक साइड है बेटा 80 और एक साइड है आपके पास 50, ठीक है, अच्छा। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, हाउ मच एरिया, एक तो आपको एरिया निकालना है और एक उसने कुछ वायरिंग भी करी है, तो पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने के लिए आपको एस निकालना पड़ेगा, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 250 अपॉन 2 यानी कि 125, ठीक है। अब अगर मैं S माइनस A निकालूं, तो S माइनस A यानी कि 125 माइनस 120, कितना बचेगा 5। S माइनस B निकालूं यानी कि 125 माइनस 80, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 45, ठीक है।
एस माइनस सी निकालूं तो वो हो जाएगा आपके पास कितना, 125 माइनस 50, तो ये हो जाएगा आपके पास 75। ठीक है, अब अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया तो एरिया हो जाएगा आप लोगों के पास अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस, एस कितना है आप लोगों के पास 125, एस माइनस ए कितना है आप लोगों के पास 5, एस माइनस बी कितना है 45 और एस माइनस सी कितना है 75। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 125 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 इंटू 5, 5 को एज इट इज, 45 को 9 इंटू 5 और 75 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 इंटू 3, 15 5 जो 75 सॉरी ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 25 का अंडर रूट होता है 5, ये 5 का पेयर बन गया, 9 का अंडर रूट होता है 3, ये 5 का भी पेयर बन गया, अंडर रूट के अंदर बचा बस 15, इसका कुछ नहीं हो सकता, 5 इंटू 5 125 इंटू 3 5 3 जा 15, 1 कैरी 3 2 जा 6 7 और 5 गलत लग रहा है भाई मुझे 575 और 475 ना 375 ना 375 ही है क्या, हाँ 375 बिल्कुल सही है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा 375 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपके पास एरिया आ गया। अब उसने बोला कि यार वो जो ट्राइंगल था ना उस पर कुछ वायरिंग भी करनी है, और वायरिंग कैसे करनी है कि ये वाली सरफेस पे तो पूरा वायर कर दिया, ये वाली साइड पे तो पूरा वायर कर दिया, ये वाली साइड पे भी पूरा वायर कर दिया और ये वाली साइड पे भी वायर किया, लेकिन बीच में एक गैप छोड़ दिया, एक गेट के लिए, गेट एंट्री के लिए गेट छोड़ दिया जो कि कितना है 3 मीटर का गैप रखता है। तो सबसे पहले आप ये निकालो कि वायरिंग हुए कितने मीटर पे है, कितना मीटर वायर चाहिए आपको। तो 80 मीटर ये था यार, 50 मीटर ये था और ये पूरा का पूरा 120 था, तो 120 से 3 माइनस कर दोगे, 80 प्लस 50 प्लस 120 से 3 माइनस करोगे 117 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 240 247 आ जाएगा। 247 मीटर पे आपने क्या किया है, वायर किया है। अब 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो कितना है बेटा, ₹20 है, तो 245 मीटर का जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा आपके पास, 245 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 0, 5 2 10 को 0, 1 कैरी 4 2 8 और 1 9 2 2 4, ठीक है इतना आना चाहिए 4900। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 30 से क्यों मल्टीप्लाई किया भाई, 30 से का ये मल्टीप्लाई किया, 20 लिखा है ना, 20 से मल्टीप्लाई होगा भैया, या तो 30 सही है या तो 20 सही है ना, 30 से करोगे तो कुछ और आंसर आएगा, 20 से करोगे तो कुछ और आंसर आएगा, ठीक है जी। ओ 247 है बाय द वे, ये 245 नहीं है, 247 है, ठीक है। 0, 7 टू जा 14 को 4, 1 कैरी 4 टू जा 8 और 1 9 2 टू जा 4, 4940 आएगा अगर 20 रुपये कॉस्ट है, 30 है तो फिर कुछ और आ जाएगा, ठीक है। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो मेक श्योर कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड द्रोणा के बारे में जरूर सोचना जो मैंने बताया था आपको। टाटा बाय बाय।